सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से IRCTC मोबाइल एप्लीकेशन से अपना टिकट को बुक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ था और उसमें आपको बताया हुआ था कि किस तरह से आप बुक कर सकते हैं अपना रेलवे टिकट, किस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से आप टिकट को कैंसिल कर सकते हैं, वो सारे वीडियो बनाए हुए थे। लेकिन अभी क्या है कि मोबाइल एप्लीकेशन जो है IRCTC का आपका अपडेट हो चुका है और उसमें प्लेटफॉर्म जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम इसमें नए वाले में देख लेते हैं कि आप किस तरह से इसमें टिकट को बुक करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसको ओपन कर लिया तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आप किस तरह से बुकिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको अपडेट कर लिया है, अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पर इस मोबाइल एप्लीकेशन को आप IRCTC रेल कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन को आप अपडेट कर लीजिएगा, तो आपको कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। तो अगर आपको आपको टिकट को बुक करना है तो आपको प्लेन माई जर्नी पर जाना होगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ से फ्रॉम टू, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे फ्रॉम दिया हुआ है तो जैसे कि मुझे झांसी से जाना है तो झांसी मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जाना है चेन्नई, तो चेन्नई यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर अपना डेस्टिनेशन का नाम डाल दीजिएगा जहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, जैसे कि मुझे MES जाना है, चेन्नई जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर ये सेलेक्ट करने के बाद कहाँ से कहाँ तक जाना है प्लस किस डेट को जाना है, तो यहाँ पर आपका ये डिपार्चर डेट दिया हो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि मैं मई सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मई, अब मई में यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया मैंने 12 तारीख। ठीक है, 12 मई को मुझे जाना है, ओके पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया कि कहाँ से कहाँ तक जाना है और यहाँ पर किस डेट को जाना है। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्च ट्रेन पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैंने क्लिक कर दिया है, तो जितनी भी ट्रेन होंगी उस डेट को और आपके जो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक वो सारी ट्रेन आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि पहली ट्रेन दिया हुआ है GT एक्सप्रेस, तो यहाँ ट्रेन का नाम दिया हुआ है, ट्रेन नंबर दिया हुआ है और कितने बजे डिपार्चर होगी और अराइवल टाइम यहाँ पर दिया हुआ है और किस जंक्शन से स्टार्ट होगी और यहाँ पर आपका डेस्टिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जर्नी डेट दिया हुआ, जर्नी टाइम दिया हुआ है, कितना घंटे लगेंगे, जैसे यहाँ पर 29 घंटे 25 मिनट लगेगा। ठीक है, शेड्यूल टाइम है और यहाँ पर आपका दिया हुआ है मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब कि ये सभी दिन चलती है, डेली चलती है ये ट्रेन। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरी ट्रेन देख सकते हैं, तमिलनाडु एक्सप्रेस। ठीक है, तो जैसे कि इसी तरह से आपकी ये सारी ट्रेन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं तमिलनाडु एक्सप्रेस को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कोच नंबर सेलेक्ट करना होगा कि स्लीपर पे जाना है या 3A पर जाना है या 2A पर, 3A आपको जिस पर भी जाना है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 मार्च, तो हम लोगों ने देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपना जो डेट है वो हम लोगों ने गलत सेलेक्ट कर लिया, मार्च कर लिया बल्कि मई करना था। ठीक है, तो मई को हमने कर लिया, ओके पर क्लिक कर दिया। ठीक है, सर्च ट्रेन पर क्लिक करेंगे तो हमारा आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे तो अब यहाँ पर 3A हम लोगों ने AC सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 मई को यहाँ पर आपका PQWL 2 है। ठीक है, मतलब कोल कोटा आपका वेटिंग लिस्ट 2 है। ठीक है, स्लीपर पर क्लिक कर लेते हैं, स्लीपर की देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लीपर की हमारी अवेलेबल है, तो स्लीपर की ही कर लेते हैं। तो देखो, स्लीपर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर फेयर आ गया कि 750 रुपये इसका फेयर है। ठीक है, तो गो टू पैसेंजर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक कर दिया, आपको पैसेंजर डिटेल्स भरनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका झांसी टू MAS जाना है, 12 मई को जाना है, ट्यूजडे पड़ रहा है उस दिन और 27 घंटे की जर्नी है आपका, ये पूरा आ गया। ठीक है, सर डिटेल्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐड पैसेंजर, तो ऐड न्यू पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है, पैसेंजर की डिटेल्स भरनी है, जैसे कि नाम हो गया, एज हो गया, जेंडर नेम हो, जेंडर हो गया मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, या बर्थ प्रेफरेंस यहाँ पर भरना है और नेशनलिटी यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ पर हम लोग अपने डिटेल्स भर देते हैं, आप अपने डिटेल्स भर दीजिएगा जब आप रिजर्वेशन करें। तो यहाँ पर एज भर दीजिएगा, मेल हो गया और बर्थ प्रेफरेंस, जैसे कि मैं यहाँ पर बर्थ, सारी बर्थ आ गई, तो आपको जो भी सिलेक्ट करना, जैसे मैंने लोअर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आपका इंडिया है तो इंडिया कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी डिटेल्स हो गई और ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख क्या रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट ट्रैवल इंश्योरेंस ऑप्शन, तो यहाँ पर हम लोग ट्रैवल इंश्योरेंस दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी डिटेल्स हो गई, यहाँ पर मोबाइल नंबर चेक कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ ट्रैवल इंश्योरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक लोग का लग रहा है 0.49 रुपये। ठीक है, मतलब 49 पैसा लग रहा है। ठीक है, तो यस पर क्लिक कर दीजिएगा या फिर आपको नहीं करना है तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पेमेंट के लिए पूछ रहा है तो आप किस तरह से पेमेंट करेंगे, जैसे कि अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट से करते हैं तो आपको 15 रुपये कटेगा प्लस GST, और अगर आप भीम UPI से करते हैं तो 10 रुपये कटेगा। तो मैं भीम से कर लेता हूँ, तो मैं दूसरे नंबर पर क्लिक किया
और यहाँ पर क्लिक कर देंगे रिव्यू जेनरेट डिटेल्स। इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हमारा सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेम और सारी डिटेल्स का आप एक बार यहाँ पर फिर से चेक कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। फिर यहाँ पर चेक करने के बाद आप यहाँ पर दे सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो भी कैप्चा कोड लिखा हुआ है उसको यहाँ पर फिल कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ स्मॉल डी 93, देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ वो फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 93 और स्मॉल ई 62, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 6 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड टू पे, तो प्रोसीड टू पे पर हम लोगों ने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आ गया सेलेक्ट पेमेंट मेथड, ठीक है। तो पेमेंट मेथड आपको सेलेक्ट करना है तो भीम यूपीआई पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपका भीम यूपीआई आ गया, ठीक है। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर लिखा आ रहा है पे, तो पे पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा पेटीएम यहाँ पर खुल के आ गया, ठीक है। तो हमको भीम यूपीआई से पे करना है तो यहाँ पर आपका आ रहा है इंटर योर यूपीआई आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी यहाँ पर फिल करनी है आपको। तो जैसे कि आपकी यूपीआई आईडी होगी या फिर आपका पेटीएम, यू कैन इजीली यूजिंग योर सेव्ड पेटीएम पेमेंट मेथड, ठीक है। तो पेटीएम पर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है पेटीएम का वो आप फिल कर दीजिएगा। जैसे कि मैं फिल कर देता हूँ अपना और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पेटीएम में क्या ओटीपी आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ओटीपी को, देखो हमारा ओटीपी आ गया। इसको कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेमेंट है तो आप पेमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं पेटीएम से कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिख के आ रहा है कि पे आपका ये आ गया, ठीक है, रुपये आ गया। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये आपका आ गया कंप्लीट योर पेमेंट, एंटर यूपीआई एड्रेस इतना, गो टू पेमेंट मोबाइल ऐप, चेक पेंडिंग रिक्वेस्ट एंड अप्रूव पेमेंट बाई एंटर यूपीआई पिन, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि वो पेटीएम में जाना है, ठीक है। तो हम इसको पॉज कर देते हैं और पेटीएम पर चलते हैं, ठीक है। तो पेटीएम में हमको नोटिफिकेशन शो कर रहा होगा पेमेंट करने के लिए। पेमेंट जैसे पेटीएम को मैंने ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद हमको नोटिफिकेशन शो करेगा कि आपको पेमेंट करना है, उस पर क्लिक करके हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि पेमेंट मैंने पेटीएम को यहाँ पर ओपन कर लिया है, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हमारा नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, कि IRCTC ऐप में आपको पे करना है। तो पे पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर अपना UPI पिन फिल करना होगा, तो मैं अपना UPI पिन फिल कर देता हूँ और यहाँ पर टिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लिख के आ रहा है प्रोसेसिंग पेड सक्सेसफुली, हमारा पेड हो चुका है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बैक जाके अपना IRCTC मोबाइल ऐप में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पेमेंट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू।